दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back to the channel. This is the YouTube boy with you. PSL 2021 का छठवां मुकाबला कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जाने वाला है। दोनों ही टीमें अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर चुकी है और अब ऐसे में किसी न किसी एक टीम को तो इस मुकाबले में हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, पर किसको ढूंढेंगे इसी सवाल का जवाब अब बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है और हाल ही में मैंने My11 सर्कल नाम का एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पाया जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें हम सच में राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। आपको बता दें कि My11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना वास्तव में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस दोनों विरोधी टीमों में से अपनी 11 चुन लेनी है और टीम बना लेनी है। इतने लंबे समय के बाद भारत में ही क्रिकेट खेल रहा है और My11 सर्कल पर आपको वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिमांडिंग लेग स्पिनर राशिद खान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यदि आप राशिद की टीम को हराते हैं तो आप 3 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना मजा आएगा जब आप राशिद खान जैसे लेजेंड को हराएंगे। My11 सर्कल के बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि जीता हुआ कैश सीधे आपके खाते में जमा हो जाता है और यकीन मानिए यह सच में बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर ऐप है। आपको बता दें कि यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हाल ही में My11 सर्कल पर करोड़पति बन चुके हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करिए और My11 सर्कल पर अपनी टीम बनाइए। इसके अलावा अपने पहले डिपॉजिट पर ₹1500 तक का बोनस पाइए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं My11 सर्कल प्रेजेंस क्या है, पिच का हाल। तो हमेशा की तरह ये मैच भी कराची में ही खेला जाने वाला है और मैं आपको बता दूं कि सारे पीएसएल के सारे मैच इसी ग्राउंड पर खेले जाने वाले हैं। पिछले मुकाबले में यहां के पिछले बल्लेबाजों को फेवर किया था, 178 रन बना भी था और चेस भी हुआ था। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ मैचों में यहां की पिच बल्लेबाजों को फेवर करने वाली है और आपको इसी प्रकार के बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं My11 सर्कल प्रेजेंस दोनों टीमों की, पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं कराची किंग्स की। तो डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स पिछले साल की तरह इस साल भी एक धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है। अपने पहले मुकाबले में कराची के बल्लेबाजों ने साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था। जी हां, इन्होंने अपने विरोधी टीम को मात्र 121 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और 7 विकेट से उन्हें परास्त भी किया था। आपको बता दें कि कराची किंग्स से सभी गेंदबाजों को विकेट्स मिले थे। अब इससे आप इनके गेंदबाजों के फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में बाबर आजम, 46 रन बनाने वाले जॉय क्लर्क अच्छे टच में दिखे थे और इस मैच में भी इनके बल्ले से बड़ी पारियों के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे कॉलिन इग्रम और मोहम्मद नाबी भी इस टीम में मौजूद हैं और आखिरी मुकाबले में इन दोनों ने नॉट आउट रहते हुए मैच को फिनिश भी किया था, इसलिए इस मैच में भी जरूरत पड़ने पर ये मैच को खत्म करने का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में इनकी तरफ से भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया था ऑलराउंडर लुइस जॉर्जी ने, जिन्होंने 2 विकेट लेने के साथ साथ 49 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेला था और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिता दिया था और इस मुकाबले में भी हम उनसे इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने बिग बैश में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में एलेक्स हेल्स और फिलिप सॉल्ट जैसे 2 इनफॉर्म और विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं जो कि अगर चल गए तो अकेले ही विरोधी टीम का विध्वंस कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी इस वक्त बहुत ही प्रचंड फॉर्म में हैं और बिग बैश में धमाका करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं My11 सर्कल प्रेजेंस हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 14 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं जिनमें से 6 बार कराची किंग्स को जीत मिली है, वहीं 8 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत का परचम लहराया है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सिलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया। My11 सर्कल ऐप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन ऐप है। अगर आप भी अपने कैश को ट्रिपल करना चाहते हो और लीजेंड्स के साथ खेलना चाहते हो जैसे राशिद खान वगैरह के साथ, अगर आप हेड टू हेड खेलना चाहते हो तो आप My11 सर्कल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको ₹1500 तक का बोनस भी मिल सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो टीम मैं बता रहा हूं ये फाइनल टीम नहीं है, साथ ही साथ ये टीम हेड टू हेड और स्मॉल लीग्स के लिए है। ग्रैंड लीग में उतना कारगर नहीं होगी। हां, यूज कर सकते हो लेकिन उतना जो है इफेक्टिव नहीं होगी। ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले विकेट कीपर सेलेक्ट करना है तो जॉय क्लर्क को लिया है जो कि पहले मैच में बहुत ही अच्छे टच में दिखे थे। फिलिप सॉल्ट को लिया है, बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया था लेकिन इस मैच में रन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बिग बैश
में, तो इनको लेना ही लेना है। तीन बल्लेबाजों के साथ हम जा रहे हैं। एलेक्स हेल्स ये भी बिग बैश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, अकेले ही मैच जिताया करते थे। उसके अलावा बाबर आजम अच्छे फॉर्म में, उनको लिया है, और कॉलिन इग्रम को लिया है। तो इन तीन बल्लेबाजों के साथ हम इस मुकाबले में जा रहे हैं। साथ ही साथ चार ऑलराउंडर्स को हमने अपनी टीम में लिया है। लुइस जर्जी को लिया है जो कि 2 विकेट लिए थे लास्ट मैच में और 49 रन की नवाजपारी खेली थी। साथ ही साथ बिग बैश में भी ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंस रहे थे। उसके अलावा फहीम अशरफ को हमने अपनी टीम में लिया है, ये भी अच्छे फॉर्म में है। मोहम्मद नाबी को लिया है, मैच जिताऊ पारी खेले थे, 14 गेंद में 30 रन बनाया था और विकेट भी लेकर आपको दे सकते हैं। डेनियल क्रिश्चियन कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया था पहले मुकाबले में, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में लेना है। तो ये चार ऑलराउंडर्स के साथ हम जा रहे हैं। 2 गेंदबाजों को हमने लिया है, अरशद इकबाल और हसन अली को हमने अपनी टीम में पिक किया है। बात कीजिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो बाबर आजम को हमने कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन एलेक्स हेल्स को बनाया। आप जो है चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि एलेक्स हेल्स को कप्तान बना सकते हो और बाबर आजम को वाइस कैप्टन उप कप्तान बना सकते हो। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये है अपनी टीम की प्रीव्यू। माय 11 सर्कल डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस कौन साबित होगा दमदार, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार कराची किंग्स ये मुकाबला जीत सकती है। जी हां, अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ हो सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।